और बहुत से लोगों को अब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प आउट कर दिया है उनको बिज़नेस ज्वाइन करने में और अच्छी से अच्छी अर्निंग करने में सो आई हैव अ टीम माशाल्लाह मेरी टीम ग्लोबली है यहाँ यूएई में भी हमारी टीम है पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हमारी टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुतन बहुत अच्छे से अर्निंग कर रही हैं और बहुत अच्छे से इसमें काम कर रही हैं अब बात करते हैं कि आपने कंपनी को कैसे जज करना है अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करनी है तो सपोज करें कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन करनी है बट आपने उस कंपनी को कैसे देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आपने देखनी है तब जाके उस कंपनी को आपने ज्वाइन करना है आपने देखना है कि कंपनी का पी क्या है यानी कंपनी की प्रोफाइल क्या है कंपनी का मिशन क्या है कंपनी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास और कंपनी का प्लान क्या है ये चारों चीजें मैं आपको भी समझाऊंगी कि फॉर एवर लिविंग में ये सारी चीजें किस तरह से हैं अगर मैं बात करूं कि फॉर एवर लिविंग हमारी जो कंपनी है वो क्या है हमारी जो कंपनी है वो 1978 में फाउंड हुई और रेक्स मॉगन ने उसको फाउंड किया हमारे रेक्स मॉगन जो है ये सीईओ है कंपनी के और अलहमदिल्ला 45 फाइव ईयर्स ऑलमोस्ट इसको हो चुके हैं हमारी जो कंपनी है ये मल्टी बिलियनर कंपनी है और ये मैन्युफैक्चर भी करती है हमारी कंपनी सेल भी करती है प्रोडक्ट्स को जो कि हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड होते हैं और हमारा जो काम है ये वो ग्लोबली है हमारा जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड है अब मैं बताऊं कि वाई फॉर एवर लिविंग हम क्यों बोलते हैं कि वाई फॉर एवर लिविंग जाहिर है सबके जहन में ये सवाल होगा कि फॉर एवर लिविंग ही क्यों तो वजह ये है कि फॉर एवर लिविंग जो है वो ग्लोबल बिजनेस है और 175 प्लस कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस है अलहमदिल्ला सो so, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है और ये बिज़नेस कितना ज़बरदस्त है कि इतने ज़्यादा लोग इसमें जो है ना ज्वाइन कर रहे हैं उसको और वर्ल्ड वाइड ज्वाइन कर रहे हैं अगर तो कंपनी में कोई होता इशू या फिर कंपनी की वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो ये इतनी कंट्रीज इसको अलाउ ही नहीं करती कि आए और हमारे पास लीगली ऑथराइज और लीगली बिजनेस करें और आपको पता है कि ग्लोब में हमारे पास यानी कि दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट हमारे पास 196 कंट्रीज हैं उसमें से 175 कंट्रीज में हमारा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है सो यू कैन इमेजिन कि आप जब इस बिजनेस को, को ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस इन सारी कंट्रीज में चलेगा और माशाल्लाह आपकी फिर देखें आपकी, आपकी अप्रोच कितनी ज्यादा होगी और आपकी अर्निंग कितनी ज्यादा होगी ये कुछ मैंने जो है वो अटैच की हैं हमारे हेड ऑफिस की जो मेन जो है वो कुछ कंट्रीज ही मैं अटैच कर सकी हूँ क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज आई कॉन्ट इवन अटैच यूके uh, में है मलेशिया में साउथ अफ्रीका है ये यूएई का हमारा ऑफिस है ये ग्रीस है ये यूएसए का हमारा मेन हेड ऑफिस है जहां हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं ये सारे ऑफिस हैं हमारे पास अब मैं बात करती हूँ कि हमारी कंपनी का मिशन है क्या हमारी कंपनी का मिशन है कि हम ये चीज़ें अचीव करें हमारे तीन हमारे कोर वैल्यूज हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं फर्स्ट uh, में मैं बात करूंगी कि वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी तो अल्हमदिल्ला हम लोग हैं हम वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हम आप लोगों को देते हैं कि आए हम से हमारे साथ हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हो हमारी कंपनी के साथ काम करें घर बैठे काम करें अपने कन्वीनियंट टाइम में काम करें और अच्छी से अच्छी अर्निंग करें सेकेंड हमारा मिशन क्या है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो अलहमद हमारी प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी हैं और ऑर्गेनिक हैं नेचुरल हैं कोई केमिकल नहीं है नॉलेज एंड बैलेंस हम आप सबको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग देते हैं आपको सेल्फ ग्रूम करते हैं हर चीज़ में कि आप आपकी सेहत के हिसाब से आपके बिजनेस के हिसाब से हर चीज़ की गाइडलाइन आपको देते हैं तो इसमें आपकी अर्निंग ही नहीं आपकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है अब मैं बात करती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इसका भी आइडिया देती चलूँ कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की रेंज है प्रोडक्ट्स हमारे पास हेल्दी लिविंग मतलब आपकी सेहत अच्छी रखने की प्रोडक्ट्स हमारे पास भी इस तरह मौजूद है अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशंस है हमारे पास हमारे पास सप्लीमेंट्स मौजूद है आपका अगर वेट कम है आपका वेट ज्यादा है या फिर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं हमारे पास वेट मैनेजमेंट की चीजें भी हैं बच्चों के लिए किड्स के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं हमारे पास हनी से रिलेटेड सप्लीमेंट्स भी हैं और हमारे पास ओरिजिनल हनी भी है तो ये सारी प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल नहीं है सारी प्रोडक्ट्स नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हमारी डेली यूज की कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको शो करना चाहूंगी जिसमें कुछ हैंड केयर भी है जिसमें सोप है हैंड सैनिटाइजर है और पर्सनल केयर में मैं बात करूं तो उसमें शैम्पू कंडीशनर है और स्पोर्ट्स जो लोग स्पोर्ट्स के आदि होते हैं या फिर वर्कआउट करना चाहते हैं अपने आप को जो है वो बहुत फिट रखना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और स्किन केयर की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, हमारे पास। हमारी प्रोडक्ट्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारी रिकोगनाइज हैं मतलब अवार्ड विन कर चुकी हैं तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए रखी हैं जिसमें हमारे पास कॉलेजन है और कंडीशनर है बॉडी वॉश है हैंड सोप है हमारे पास फेस मास्क है हमारे पास सनस्क्रीन है बॉडी लोशन है और बहुत सारी चीज़ें बॉडी वॉश है स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं अब मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास प्रोसेस किस तरह से चलता है हमारी प्रोडक्ट्स का प्रोसेस किस तरह से चलेगा प्रोडक्ट्स का प्रोसेस कुछ इस तरह से चलेगा कि जब हमारे पहली बात तो हमारे पास बहुत फार्म्स हैं हमारे ओन फार्मास्यूटिकल्स फार्म्स हैं हमारे ओन जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं हमारे ओन जो है वो साइंटिस्ट हैं जो प्रोसेस करते हैं रिसर्च करते हैं उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आती है सबसे पहले हम एलोवेरा एलोवेरा एलुँ� की बहुत सारी स्पेशीज़ होती हैं हम बेस्ट जो एलोवेरा है जो सबसे बेस्ट उसकी काइंड है सबसे बेस्ट उसकी कस्म है उसको हम उसको हम जो है ना उगाते हैं हमारी फार्म्स में वो होते हैं ग्रो करते हैं उसको उसके अंदर का जो इनर लीव होता है उसको हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स में ये कोई आम एलोवेरा नहीं है एलोवेरा जो है ना वो एंटी पॉल्यूशन एरिया में जो है ना ग्रो करना चाहिए तब जाके उसके सारे फायदे आपको मिलते हैं तो हमारा प्रोसेस इस तरह से है इनर लीव हम उसको लेते हैं और स्टेबलाइज करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है हमारे जो साइंटिस्ट हैं हम उसकी टेस्टिंग करते हैं उसके बाद जाके ये कई मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं हमारी जो एलोवेरा जेल है जो कि बहुत ही फेमस है उसकी फिलिंग देखें आप किस तरह से होती है प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर कर फिलिंग होती है उसके बाद जाके हमारी जो है ना पैकेजिंग होती है ईच एंड एवरीथिंग टेस्टेड के बाद अब मैं बताऊं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनती है मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगी कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे फार्म्स हैं कितने फार्म्स हैं हमारे और हमारा क्या प्रोसेस चलता है प्रोडक्ट्स का अलग में शो यू है आप ये जो हमारे फार्म्स हैं ये यूएसए अमेरिका में है एरिजोना में है इस तरह इनको सेफली क्लीन किया जाता है उसके बाद जाके इनको प्रोसेस में लिया जाता है जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली ये जो है ना प्रोडक्ट्स में हम लोग इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगी बट जब प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाएगी इनशाला उसके बाद मैं आपसे जो है ना क्वेश्चन आंसर लूंगी जो भी आपके डाउट्स हैं आप तब क्लियर कीजिएगा अब मैं बात करती हूं कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे करना है इसको स्टार्ट कैसे करना है हाउ यू कैन स्टार्ट इसके दो स्टेप्स होते हैं पहला कि आपकी होगी रजिस्ट्रेशन जो कि टोटली फ्री है रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने परचेजिंग करनी है परचेजिंग अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा जहन में कि हमने परचेजिंग क्यों करनी है परचेजिंग जनाब आपने इसलिए करनी है कि आप कोई भी मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन करते हैं या सपोज आपने सपोज अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया कि चाहे वो क्लॉथिंग का हो कपड़ों का हो ज्वेलरी का हो पर्सिस का हो कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो उसमें आप क्या करेंगे आप सबसे पहले थोड़ा सा स्टॉक ला कर रखेंगी ताकि आप वो लोगों को दिखा सकें उसकी क्वालिटी दिखा सकें कि क्या मटेरियल है क्या क्वालिटी है और क्या उसकी वैल्यू है लोग उसको देखें और उससे इम्प्रेस हों और उसको देख के समझें फिर उसके बाद उसको आप सेल कर सकती हैं इसी तरह से फॉर एवर लिविंग में भी एक छोटा सा एक बिजनेस बॉक्स रखा है जिसमें आपकी कुछ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने वो परचेज करनी है और आपके पास स्टॉक आ जाएगा अब वो प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ उसमें से आप अपनी पर्सनल यूज में भी यूज कर सकती हैं और चाहे तो वो सारी प्रोडक्ट्स आप सेल भी कर सकती हैं आपके आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको रिटर्न हो जाएगा ये कुछ प्रोडक्ट्स की शक्ल है और बॉक्स कुछ इस तरह का है इसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं हमारी कैटलॉग्स होती हैं हमारे ब्रॉचर्स होते हैं और हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती है प्रॉपर एक मेथड के तहत आपको ये प्रोडक्ट्स दी जाती हैं अब मैं बात करती हूँ कि इस प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस है मतलब आप बिजनेस ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या अमाउंट की रिक्वायर्ड है कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी है कॉम्बो पैक में आप अगर बात करते हैं कि भाई हमें ऑफर मिलनी चाहिए तो ऑफर इसमें मिलेगी आपको आ, ये हमारा 1.5 का सी है असल में बिजनेस ज्वाइन करने के लिए टू सी चाहिए होती हैं अब टू सी का आप बोलेंगे टू सी है क्या सी जो होते हैं केस क्रेडिट इनका नाम है और इस आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो सी सी का मतलब है हमारे इंटरनल हमारे जो कंपनी में हम काम करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को एक नाम दिया गया उनको एक पॉइंट दिया गया क्योंकि हर सारी ग्लोबली इतनी कंट्रीज में हमारा बिजनेस चलता है कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने उनको एक सीसी कह दिया अगर कोई सीसी बोलेगा तो हमें पता होता है कि किस प्रोडक्ट के कितने पॉइंट्स हैं तो वन पॉइंट फाइव का एक कॉम्बो पैक आपको मिलता है जो कि ऑफर में है और जबकि आपको ज्वाइन करने के लिए टू सी की जरूरत है बट कंपनी आपको ऑफर में 1.5 पॉइंट सीसी में भी ज्वाइन करवा रही है जो कि 1400 हंड्रेड में अगर आप पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं तो इसका कन्वर्जन uh, uh, आप निकालेंगे आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में आपका इसका जब कन्वर्जन निकलता है तो वहां रुपीज कितने बनते क्योंकि ज़ाहिर है आजकल पाकिस्तानी रुपीज भी बहुत डाउन है तो मैं आपको आज के रेट के हिसाब से बता सकती हूँ अब आप ये जो कॉम्बो uh, पैक है ये ए वन ट्रांजेक्शन की है आपने वन टाइम पेमेंट करनी है और ट्वेंटी फोर आवर्स में आपका बिजनेस ज्वाइन हो जाता है अब अगर कुछ लोगों के लिए वन टाइम पेमेंट प्रॉब्लम करती है जैसे कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दफा में ही पेमेंट कर दें तो कंपनी ने उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन भी रखा है लार्जर पैक लार्जर पैक जो है वो कंप्लीट टू सी का होता है और उसमें ये होता है कि आप अपनी चॉइस की प्रोडक्ट्स उसमें ले सकते हैं कॉमा पैक में कंपनी की तरफ से जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो आपको मिलेंगी और लार्जर पैक में जो होता है आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो कि उसका उसकी प्राइस भी हाई है एटीन हंड्रेड फिफ्टी देर हम उसके प्राइस हैं और उसमें होता क्या है लार्जर पैक आपने एक महीने में नहीं लेना ये आप टू कंजेक्टिव मंथ्स मतलब दो सेम महीने में जैसे आज इस महीने में आपने लिया और नेक्स्ट महीने में आपने लिया दो महीने में आपने, आपने कंप्लीट करनी होती है अमाउंट उसके बाद जाके आपकी बिजनेस आपका स्टार्ट होता है तो आपके लिए ये भी आसानी होती है अब मैं बात करूं अगर कि वॉट यू वॉट वी ऑफर आफ्टर ज्वाइनिंग जब आप हमें ज्वाइन करते हैं कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या चीजें दी जाती हैं क्या क्या चीजें क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं सबसे पहले तो आप जब ज्वाइन करते हैं आपका टाइटल आपको आपको एक आपका एक नेम आपको स्टार्ट स्टेज जो होती है उसका नेम है असिस्टेंट सुपरवाइजर फर्स्ट स्टेज में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का टाइटल दिया जाता है उसके बाद आपके नाम से जिस नाम से आप रजिस्टर होते हैं उस नाम से आपकी एक ई e कॉमर्स की ओन वेबसाइट बन जाती है ठीक है जिसको आप यूज करते हुए डिफरेंट कंट्रीज में उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में उस वेबसाइट के थ्रू आपकी को आपका कोई भी क्लाइंट बनेगा वहीं से परचेजिंग करेगा और आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा और आप इंटरनेशनली मतलब आप किसी भी कंट्री में कोई भी आपका क्लाइंट हो या किसी ने भी आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना हो तो आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं और ग्लोबल ट्रेनिंग्स हमारी जो ग्लोबल ट्रेनिंग है वो सारी हम आपके लिए अनलॉकड हो जाती है और हमारी जो लोकल ट्रेनिंग्स है लोकल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसमें भी हम आपको ऐड कर देते हैं वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाती है अब मैं बात करती हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट्स क्या है अब थर्टी परसेंट थर्डी परसेंट क्या है थर्टी परसेंट ये है कि आप जब परचेजिंग करते हैं अपने लिए या फिर आपकी कोई क्लाइंट आपसे परचेजिंग करता है या आप पर्सनल परचेज करते हैं को, कोई कुछ कोई चीज खरीदते हैं कंपनी की प्रोफाइल से या फिर आप प्रॉफिट पे कोई चीज सेल करते हैं आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है एज प्रोडक्ट पे मतलब एक प्रोडक्ट पे आपको थर्टी परसेंट मिलेगा सपोज अगर आपने एक सोप बेचा है तो आपको थर्टी परसेंट मिलेगा अगर आपने वो सोप अपने लिए खरीदना है तो भी आपको थर्टी परसेंट ऑफ मिलेगा इसके अलावा फाइव परसेंट ऑफ भी है फाइव परसेंट भी आपको मिलता है जो कि कैशबैक है वो आप एक कुछ अमाउंट की परचेजिंग करते हैं या आपका कुछ अमाउंट का बिजनेस कुछ पॉइंट्स का बिजनेस जब हो जाता है महीने के एंड में तो कंपनी आपको हर महीने के एंड में फाइव परसेंट कैश देती है सपोज आपने सौ रुपए की चीज़ आपने सेल की है और सौ रुपए की चीज़ आपने कंपनी से सेल की है और आपको उसमें तीस का प्रॉफिट है और मज़ीद पाँच रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा टोटल थर्टी फाइव परसेंट आपको मिल जाता है अब आप पूछेंगे कि हमने अर्निंग किस तरह से करनी अर्निंग का मतलब क्या होता है मतलब बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस हो चाहे दुनिया का चाहे फॉर एवर लिविंग हो बिजनेस का मतलब होता है बाय एंड सेल खरीदना और बेचना तो आपकी अर्निंग भी इसी तरह से होगी आपने इन्वेस्टमेंट की आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई आपने उसको सेल कर दिया अब ये स्टॉक सिर्फ एक दफा लेना है ये बार बार स्टॉक नहीं लेना सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ एक दफा की इन्वेस्टमेंट है उसके बाद आपने कोई स्टॉक नहीं लेना आपकी अपनी ओन वेबसाइट होगी उसके थ्रू उसके जरिए लोग आपकी परचेजिंग करेंगे और वो प्रॉफिट आपके पास आता रहेगा अब मैं बात करती हूं कि एफ एल पी वर्किंग मैथड क्या है हम हमारी टीम किस तरह से आपको सिखाती है कि आपने इसमें किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है हम सिखाते हैं कि आपने यूज लर्न एंड शेयर करना है अब इसको मैं एक्सप्लेन करती चलूं यूज लर्न यू एल एस है क्या सपोज करें कि आपने कोई भी चीज कहीं से खरीदी एक पर्स खरीद लिया ठीक है आपने एक पर्स खरीदा और आपको वो पर्स बहुत अच्छा लगा आपने किस स्टोर से खरीदा कौन से ब्रांड से खरीदा और किस जगह से खरीदा कितने में खरीदा ठीक है आपको पर्स बहुत पसंद आया आपके किसी दोस्त ने उस पर्स को देखा भी उसको भी वो पर्स बहुत पसंद आया अब वो पूछेगी भाई आपने पर्स कहाँ से लिया है किधर से लिया है कितने का लिया है कौन सा ब्रांड है और इसमें क्या खास बात है तो आप बोलेंगे कि भाई इसका वेट भी बहुत हल्का है कि बहुत छोटा भी है और मैं इसको इजीली जो है ना जहां भी जाऊं मैं इसमें चीज़ें डाल के इजीली कैरी कर सकती हूँ और हेवी चीज़ें भी इसमें डाल सकती हूँ इसका वेट इतना नहीं बढ़ता मुझे मुश्किल नहीं होती और इसका स्टाफ इसका मटेरियल बहुत अच्छा है बहुत मतलब हाई क्वालिटी है और जो भी चीज़ें आपको उसमें लगेंगी आप उसको बताएंगी ठीक है आ, इसका मतलब है कि आपने वो चीज यूज़ की ठीक है उसको यूज़ कर लिया और आपने उसको आगे शेयर कर दिया आपने अपनी फ्रेंड फैमिली को जो भी आपसे वो पूछता है आपने उसको बता दिया कि भाई मैंने ये पर्स लिया देखो ये बहुत ज़बरदस्त है तो आपकी फ्रेंड जाके वहीं उस जगह से पर्स खरीदेगी ऐसे ही होता है ना नॉर्मली हम चीज़ों को इसी तरह से प्रमोट करते हैं दूसरे ब्रांड की चीजों को कि भाई यहाँ के कपड़े अच्छे हैं यहाँ का मेकअप अच्छा है यहाँ के पर्स यहाँ के शूज इस तरह से तो क्या आपको ये करने से वो कंपनी वाले या वो ब्रांड वाले या वो शॉप वाले आपको कुछ प्रॉफिट देते हैं बिल्कुल भी नहीं क्या आपको कोई प्रॉफिट मिलता है उसमें क्या कोई परसेंटेज आपको देते हैं कि आपने उनकी मार्केटिंग की आपके जरिए से कोई आप आ, उनके पास क्लाइंट आया आपके जरिए से वो चीज सेल हुई है क्या आपको कोई प्रॉफिट मिलता है बिल्कुल नहीं मिलता लेकिन फॉर एवर लिविंग में भी सेम ही चीज आपने करनी है और कंपनी आपको इसी चीज का प्रॉफिट देगी जाहिर है आप जब कोई चीज खुद इस्तेमाल करेंगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई अगर मैं एक सॉप खरीद रही हूँ कंपनी मुझे दे रही है तो मैं खुद इस्तेमाल करूँगी और आप उसकी बेनिफिट्स और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे अपनी फ्रेंड फैमिली में कि देखो ये सोप मैंने भी यूज़ किया है मैं बग़ैर यूज़ करे सेल नहीं करी इसमें ये ये फायदे हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो लोग ये सुन के चीज़ें लेते हैं इसलिए कंपनी ने स्टॉक रखा है कि आप पहले ख़ुद भी इस्तेमाल करें और फिर आगे हम शेयर करें अब मैं बात करती हूँ कि आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि भाई चलो ये सब हम समझ गए लेकिन अब हमने चीज़ों को सेल किस तरह से करना है क्या थ्रो किस तरह मतलब इसका मेथड होगा और किस तरह इसका क्या जरिया होगा क्या मेथड होगा क्या करना है हमने सही आप सबका ये सवाल लाजमी होगा तो मैं एक एग्जाम्पल देती चलूँ हमारा जो एलोवेरा जेल है इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये एक एलोवेरा जेल से आप कितनी अच्छी आप सेल कर सकते हैं अब जो ये एलोवेरा जेल है इसके जो पॉइंट्स है जीरो पॉइंट वन वन थ्री सी सी ये पॉइंट है इसके इस एक बॉटल के अब ये एक बॉटल अगर आप अट्ठारह बोटल इसकी सेल करते हैं जो कि बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है कुछ भी मुश्किल नहीं होता जब आप इसके बारे में लर्न करेंगे कि भाई एलोवेरा अः कितनी कितनी चीजों के लिए फायदेमंद है इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं हम आपको सिखाएंगे हम आपको बताएंगे आप इसको लर्न करेंगे उसके बाद आप सेल करेंगे तो आपको पता होगा आप लोगों को भी समझा सकते हैं जब आप 18 बोतल सेल करते हैं तो आपके 2.034 पॉइंट ऑलरेडी हो जाते हैं आपकी अच्छी से अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है आपने हर महीने नाइन बोतल सेल करनी है और हर हफ्ते दो से तीन बोतल सेल करनी है और वो किस तरह से करना है वो उसकी हर चीज की ट्रेनिंग आपको दी जाती है ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से काम होता है इस तरह से सेलिंग होती है अब बात करते हैं कि जब आप फॉर बिजनेस ओनर बन जाते हैं जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना तो कंपनी आपको एम्प्लॉय का टाइटल नहीं देती कोई ऐसा टाइटल नहीं देती या आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल नहीं देती कंपनी आपको टाइटल देती है कि कि आप बनेंगे कंपनी के बिजनेस ओनर जैसे मैं कंपनी में हूं तो मैं कंपनी की बिजनेस ओनर हूं ठीक है मैं इस कंपनी को चला रही हूं मैं इस कंपनी का नाम यूज कर सकती हूं मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हूं और जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे क्या क्या मिला कंपनी की तरफ से मुझे एक ई कॉमर्स की मतलब कि हमने ओन नेम की मुझे एक वेबसाइट मिली जो कि अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूं और मैं किसी और से बनवाती हूं तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑलमोस्ट ये बहुत कम मैंने फिगर्स लिखी हैं अंदाजे से लिखी हैं कि इतना तो लगेगा और अगर मैं इसको ग्लोबली सपोज मैं इतनी कंट्रीज में तो कर नहीं सकूंगी ठीक है अगर मैं एक से दो कंट्री में भी चाहूंगी कि मेरा बिजनेस वहां पर भी चले हमारे वहां पर भी ब्रांच हो तो वहां उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा रजिस्टर होना पड़ेगा लोकली ऑथोराइज होना पड़ेगा वहाँ के अलग अलग हर कंट्री के रूल्स होते हैं उस हिसाब से मुझे लीगली uh, वहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रांच खोलनी पड़ेगी राइट right? तो मुझे उसके लिए क्या करना है क्या मैं हर दफ़ा इतने इतने पे करती रहूंगी उनकी अपनी करेंसी में ये सारी सहूलियत आपको फॉर एवर लिविंग देता है सिर्फ एक एक दफा की ज्वाइनिंग में आपको अपनी ओन वेबसाइट मिल जाएगी अब बात करते हैं स्टाफ की सपोज अगर मैंने कहीं दो तीन कंट्री में ब्रांचेस मैंने खोल भी दी तो मैं मेरी अगर उस कंट्री में मेरी सेल हो रही है मेरी मेरी उस कंट्री में मेरे क्लाइंट है तो मैं किस तरह से मैं वहां जाकर तो नहीं उनको बाय हैंड या उनको डिलीवर करवाऊँगी उनके घर मुझे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी वो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो स्टाफ वहाँ टेक केयर करे मेरी ब्रांच का ख्याल रखे कस्टमर सर्विस का ख्याल रखे और जो भी ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को रिसीव करे पेमेंट को रिसीव करे और ऑर्डर सही से सलामत ऑर्डर अच्छे से क्लाइंट को मेरे कस्टमर को पहुंचाए होम डिलीवर करे ठीक है हमें यही चाहिए होगा ना तो ये कंपनी सारा ये कंपनी के हेडिक है ये हमारी हेडिक नहीं है ये सब कंपनी का अपना ओन स्टाफ है कंपनी हमारा कहीं से भी किसी भी कंट्री से कोई भी ऑर्डर होता है ये कंपनी की जिम्मेदारी है वो कंपनी आपके क्लाइंट तक ऑर्डर डिलीवर करती है अब ग्लोबल लाइसेंस की बात कर लें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं लाइसेंस लेना चाहूं भी एक से दो या तीन कंट्रीज की भी तो भी मेरे पच्चीस से तीस लाख कम से कम इसमें इन्वेस्ट होते ही होते हैं और मैं बात करूं कि ब्रांड की तो कंपनी हमें अलाउ करती है परमिशन देती है कि हम जितना चाहें इस फॉर एवर लिविंग के ब्रांड को किसी भी कंट्री में चला सकते हैं भाई ये फॉर एवर लिविंग है ही इतना फेमस और हम भी इससे फेमस हो सकते हैं हमारा बिजनेस भी इससे फेमस हो सकता है हम यूज कर सकते हैं इसके नेम को तो कंपनी ने हमें फुल परमिशन दी है कि भाई आप इसमें काम कर रहे हैं आप इसके बिजनेस ओनर हैं तो आप इसके नाम को जब चाहे जैसे चाहे इसको, इसको, इसको इस्तेमाल करें और अपना प्रॉफिट लें और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो प्रोडक्ट्स तो हमारी वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है कि जो एक दफ़ा यूज़ करता है वो दोबारा ज़रूर उसको ऑर्डर करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं मैं इस तरह से नहीं कह रही ये कॉन्फिडेंट मुझे इस तरह से आया क्योंकि मैं ख़ुद इसकी बहुत बड़ी यूज़र हूँ मैं अलहमदिल्ला यकीन करें मैं टू ईयर्स जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है मेरी स्किन केयर मेरे पर्सनल केयर मैं सारी चीज़ें फ़ॉर से लेती हूँ अब ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ॉर की ए टू जी हर चीज़ अच्छी हो या मुझे सूट करे लेकिन जो मुझे सूट करती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब बात करती हूँ मैं जब आप ज्वाइन करते हैं हमें तो हम आपको कौन कौन से स्टेप के थ्रू आपको ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया सेकेंड स्टेप हम आपका होता है कि जब आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो हम आपको ऐड uh, करते हैं अपने ग्रुप्स में अपने जो सोशल हमारा ग्लोबल हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें हम सारे ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग्स ग्रुप में पर्सनल ग्रुप्स में हम आपको ऐड कर देते हैं थर्ड हमारा Uh, जो होता है वो ये है कि हम आपको बिजनेस की नॉलेज देते हैं ए टू जी स्टेप बाय स्टेप जैसे कि एक बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चलना सिखाते हैं हम आपको चलना सिखाते हैं बिजनेस में हम आपको ए बी सी डी से जी तक हम आपको एवरीथिंग सिखाते हैं कि आपने कब क्या करना है क्योंकि जाहिर है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस तरह से क्यों करते हैं क्योंकि कंपनी ने हमें कहा है हमें भी किसी ने सिखाया है और हम भी आगे, आगे आपको सिखाएंगे अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग जो कि बहुत जरूरी है हमारा बिजनेस ही सारा डिजिटल मार्केटिंग का है राइट हमारा बिजनेस ही सारा ऑनलाइन है तो हम आपको सिखाते हैं कि आपने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है फेसबुक अकाउंट सोशल मीडिया का अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है डिफरेंट डिफरेंट उसमें आपने पोस्टिंग कैसे करनी है किस टाइमिंग पे आपने पोस्टिंग करनी है पोस्ट में आपने क्या क्या लिखना है आपने पोस्ट किस तरह बनानी है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने फ्लायर कैसे बनाना है आपने एक पोस्ट कैसे बनानी है और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ईच एंड वरीथिंग आपका बिजनेस किस तरह से आएगा उसके लिए आपने क्या क्या करना है हर चीज हम आपको इसकी ट्रेनिंग देते हैं सबसे अहम बात प्रोडक्ट नॉलेज आप में कौन सी प्रोडक्ट का क्या फायदा है कौन से प्रोडक्ट किसके लिए सही है किसके लिए ठीक नहीं है किस फायदे के लिए और किस पर्पज के लिए और किस प्रॉब्लम के लिए किस इशू के लिए दी जाती है वो सारी चीजों की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं देखिए सब जब आप ये फॉर एवर लिविंग का बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो बी केयरफुल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे स्कैम बहुत सारे धोखे हो रहे हैं आपको ज्वाइन करवा देते हैं बट आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं देते आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का नाम ही है फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी प्रोडक्ट से जानी जाती है हमारी मेन चीज ही प्रोडक्ट्स हैं जिससे लोग इंस्पायर होकर लोग यूज करके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है तो हमारी तो बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी तो हम सारी प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज देते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में है क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल होंगी उसके बाद आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पर भी हम काम करते हैं अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आप लोगों से नहीं बात कर सकते या जाहिर है आप खातन जो घर में रहती हैं जो हाउस वाइफ्स हैं ज़ाहिर है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो एक घरेलू हो जाती हैं बिल्कुल उनको नहीं पता होता कि हमने जो है ना लोगों से किस तरह बात करनी है हमने लोगों को किस तरह बताना है अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से शो करना है ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं पर्सनल डेवलपमेंट भी आपकी होती है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है आपकी लर्निंग होती है कि आपने लोगों से किस तरह बात करना है और आपने अपने कस्टमर से किस तरह बात करना है हम हर चीज आपको सिखाते हैं अब एक बहुत बड़ी मैं अवेयरनेस आपको देने चाह रही हूं अभी रेड फ्लैग अवेयरनेस वॉट इज रेड फ्लैग अवेयरनेस रेड फ्लैग अवेयरनेस ये है कि भाई आम होता तो जाए पाकिस्तान में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई मैं ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगी लेकिन आपको उसके पैसे देने होंगे रेड फ्लैग ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं है जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ इसके कोई पैसे नहीं है एक और बात मैं बता दूं अगर तो ये मीटिंग एंड हो जाती है तो आप सेम लिंक से इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा टाइम रह गया है अगर कोई कहता है कि भाई आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और आपका इसका एग्जाम होगा इसका इंटरव्यू होगा तो दिस इज रॉन्ग ये हमारा बिजनेस है कोई जॉब नहीं है जो इसका एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा अगर कोई कहता है कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए और आप प्रोडक्ट्स पे काम करने की आपको जरूरत ही नहीं है आप बस लोगों को लेकर आइए लोगों को ज्वाइन करवाइए इससे आपका बिजनेस चलेगा दिस इज टोटली रॉन्ग हमारी कंपनी में ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को ज्वाइन करवाएं बस आपने प्रोडक्ट्स पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है लोगों को जो है ना फॉर लिविंग के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रही है बहुत से ऐसे स्कैम हो रहे हैं बहुत सी खुतिन मेरे पास आई हैं और मुझे बताया है कि ये ये है बेचारियों ने जो है ना कंपनी कुछ दूसरों की जो है ना टीम्स ज्वाइन कर ली बट उनको ना ट्रेनिंग दी गई ना उनको कुछ किया गया उनके प्रोडक्ट्स भी उनके पास आ गई उनकी इन्वेस्टमेंट भी चली गई बट बहुत उनको मुश्किल हुई है तो ऐसा कुछ होता है सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं तो प्लीज आप लोग ने नो करना है आप भागें ऐसी टीम से बिल्कुल नो करना है आपने नेक्स्ट हम लेवल की बात करते हैं हमारी असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप फर्स्ट स्टैंड आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज में देखें आपकी कितनी अच्छी अर्निंग हो सकती है ये हम मैन मैंने मिनिमम लिखी है इसमें कोई लिमिट नहीं है आप जितनी चाहे इसमें अर्निंग कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट स्टेज पर है तो आप थर्ड स्टेज की अर्निंग भी कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं आप जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा अर्निंग आपकी होनी है तो एक हजार से ढाई हजार देर तक आपकी अर्निंग हो सकती है आप जब जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं फर्स्ट स्टेज पर सेकेंड स्टेज जो है उसका सुपरवाइजर है थर्ड स्टेज जो है असिस्टेंट मैनेजर है फोर्थ स्टेज जो है मैनेजर है आप सारी अर्निंग्स देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसमें अर्निंग होती है अब मैं बात कर दूं कि कंपनी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है आपको कंपनी प्रॉफिट से हटकर भी बहुत सी चीजें इंसेंटिव बोनसेस भी प्रोवाइड करती है आप जब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको कार प्लान देती है कंपनी आपको प्रॉफिट से हट के हर महीना दो साल तक आपको एक आप अपनी ओन कार खरीद सकते हैं अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं उसके पैसे कंपनी आपको देती है कंपनी आपको ट्रैवल करवाती है साल में दो दफा आपके पार्टनर के साथ जो कि टोटली पेड होता है कंपनी उसको पे करती है होटल पे करती है आपको आपके टिकट्स पे करती है आपकी शॉपिंग आपकी खाना पीना हर चीज कंपनी पे करती है इसके अलावा बहुत जबरदस्त चीज जो कंपनी आपको देती है हर साल कंपनी का जो फायदा होता है कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज वो आपको शेयर को देती है वो इंसेंटिव कराता है चेयरमैन बोनस अब आप इन सारी ट्रेनिंग को आपने ले लिया अब हाँ आपने खुद अपने आप को सोचना है कि आपका माइंड किस तरह का है आपका माइंड महदूद है या आपका माइंड ग्रो करना चाहता है क्या आपका माइंड ये है कि भाई मुझे तो डर लग रहा है मैं कैसे इस बिजनेस में ज्वाइन करूंगी मेरी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी इसमें तो रिस्क है मैं कैसे आगे बढ़ूंगी या आपका माइंड ये कहता है कि भाई जब इतनी लड़कियां कर रही हैं इतने लोग काम कर रहे हैं माशाला इतना वर्ल्ड वाइड चल रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती जब हर चीज मुझे सिखाई जा रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती मैं अगर मिस्टेक भी करूंगी तो कोई मसला नहीं है मैं अपनी मिस्टेक से सीखूंगी मैं अच्छे से अच्छा करूंगी मैं प्रैक्टिस करूंगी मैं सीखूंगी मैं हार नहीं मानूंगी फिर जाके देखी आपकी सक्सेस किस तरह से होती है मैं अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ इस बात की भी कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है यह आपका माइंड एक फिक्स्ड है आप ये एक महदूद आपकी सोच है कि भाई मैं तो शायद मैं मेरा शायद बिजनेस ना चले शायद मेरे पैसे डूब जाए ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपनी सोच को आप खुद सोचिए कि आप किस सोच के मालिक हैं उसके बाद इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यू से हूँ और मैं माशाल्लाह बहुत से लोगों को ज्वाइन करवा चुकी हूँ और मेरी अच्छी अर्निंग होती है मैं एक अच्छी जगह पे हूँ और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया अलहमद तभी मैं आके आपको कॉन्फिडेंटली आप सबको मैं बता रही हूँ कि देखेंगे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट के लिए भी है जो स्टूडेंट्स हैं हमने करना क्या है सारा दिन हमने कोई टाइम नहीं देना दो से तीन घंटे वो भी फिक्स नहीं है आप जितना चाहें जब चाहें रात में टाइम मिलता है दिन में टाइम मिलता है दोपहर तो में टाइम मिलता है आप दीजिए कोई फिक्स नहीं है कोई आपका बॉस नहीं है कोई टारगेट नहीं है आपने अगर एक महीना काम करना है एक महीना नहीं करना आप छोड़ सकते हैं आप ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि ये आपका ओन बिजनेस है आपने खुद डिसाइड करना है कि आप इसमें से कौन है अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको इस इस कंट्री से जिस जिस कंट्री से आप ज्वाइन करते हैं ये सारी कंट्रीज की मैंने अमाउंट लिख दी है ये भी आप देख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ग्रुप में पूछिए मुझसे पर्सनल में पूछिए क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है तो कोई मसला नहीं है आपके सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दैट्स ऑल और इनशाला मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इस बिजनेस को ज्वाइन करें और आई एम हेयर मैं आपकी हेल्प करूंगी हर चीज हम सिखाएंगे आपको हमारी पूरी टीम है आप एक टीम के साथ काम करेंगे आप अकेले काम नहीं करेंगे इन आपको ज्वाइन करना है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मैं अपना लिंक आपको शेयर करूंगी पाकिस्तान से ज्वाइन करने के लिए इज डिफरेंट मैथड ठीक है किसी और कंट्री से आपको ज्वाइन करना है आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं सो बेस्ट ऑफ लक होप आपने इस मीटिंग को एंजॉय किया होगा उम्मीद है आपको ये मीटिंग पसंद आई होगी आपको बहुत कुछ सीखने भी मिला होगा सो so, इनशाला फिर आपसे जो है ना मैं मैसेज में बात करती हूँ इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा इनशाला फिर आपसे बात होती है थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द मीटिंग